Matt's coverage. एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इफ द पॉलिनोमियल एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस का 25x प्लस का 10 इज डिवाइडेड बाय द अनदर पॉलिनोमियल x² माइनस का 2x प्लस का k, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a। फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। यहाँ पर आपको k और a की वैल्यू निकालनी है, जबकि इसमें बोला गया है कि अगर आपका ये पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस का 25x प्लस का 10 अगर डिवाइड किया जाता है एक अनदर पॉलिनोमियल से जिसको बताया गया है x² माइनस का 2x प्लस का k, तो उससे डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर जो आता है वो आता है x प्लस a। तो हमें फाइंड आउट करना है k और a की वैल्यू क्या होगी। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में, वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो आपका पॉलिनोमियल दे रखा है इसको आप डिवाइड करने जा रहे हैं इस पॉलिनोमियल से। इससे डिवाइड करने के बाद में आपका जो रिमाइंडर आएगा उसको आप इससे कंपेयर करा देंगे। जब आप उसको इससे कंपेयर करा देंगे तो उससे क्या होगा, आपकी k की और a की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम बिल्कुल ईजीएस्ट तरह से करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है तो उसका हर एक पहलू समझना। अगर आप इसका हर एक आस्पेक्ट समझ लेंगे तो यकीन मानिए क्लास में जो भी आपका मैथ्स का टीचर होगा उसकी नज़र में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जिससे क्लास टीचर ये फाइंड आउट करता है कि यार बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो कितने मतलब कितने दम में है। कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि बच्चा कितनी अच्छी प्रिपरेशन करके चल रहा है अपनी लाइफ में, टेंथ क्लास को वो कितना सीरियसली ले रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारी चीज़ें डिक्लेयर करता है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर करता है। इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा करा रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी करा रखा है, मगर मैं इस बार आपको इस तरह से कराना चाह रहा हूँ कि आप हर हाल में इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर लें। अगर आप अपनी क्लास में इमेज बनाना चाहते हैं टीचर की नज़रों में, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। मैं आपको हर एक पॉइंट इसका बहुत ही इजीएस्ट वे में कराने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि कहीं भी आपको इसमें क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको आप हर हाल में यार सीख करके ज़रूर जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। आप इसको, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो इसको 4-5 बार इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि यार मेरे भाई ये वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जो हमारा दे रखा है इससे डिवाइड करेंगे हम इस बड़े पॉलिनोमियल को। तो देखिए कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का k, इससे हम डिवाइड दे देंगे उस बिगर पॉलिनोमियल को। x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस का 16x² माइनस का 25x प्लस का 10। अब देखिए, एक्स स्क्वायर से x की पावर 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए। x की पावर 2 से जब हम x की पावर 4 को डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली हमारा x की पावर 2 रह जाएगा, क्योंकि हमारी 2 पावर से 2 पावर कम हो जाएंगी। इस तरह से हमारा x स्क्वायर रह जाएगा। अब जब ये हमारे पास x स्क्वायर आ गया है तो इस x स्क्वायर से इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, और जो भी इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू आएंगी तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रख देंगे उसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर x रेज़ टू द पावर 4। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x, ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x की पावर 3। अब x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे k से तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का k एक्स स्क्वायर। यहाँ तक हमारा आ जाएगा, और यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने की, ये भी मैं जानता हूँ अच्छे से। ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 6x³ में से प्लस का 2x³ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x³।
क्लियर है भाई, माइनस के 6 बड़े हैं और प्लस के 2 छोटे हैं, तो माइनस के 6 में से प्लस का 2 जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन तो करेंगे हम, वो आ जाएगा हमारा 4 और साइन आ जाएगा हमारे बड़े नंबर का, जो कि हमारा बड़ा नंबर है 6, मीन्स माइनस 4x³। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो ये एक ऐसी लाइक टर्म है जिसका वेरिएबल जो है सेम है, मीन्स एक्स स्क्वायर इसका सेम है। हम देखिए यहाँ पर अपने पास से प्लस लिख लेते हैं, और अब देखिए क्या करेंगे, प्लस का तो 16 है और माइनस का k है, जब हमने यहाँ पर प्लस दे रखा है तो यहाँ पर हम पहले प्लस वाला नंबर लिखेंगे, मीन्स 16 लिखेंगे, माइनस के बाद में लिखेंगे, 16 हमारा पहले आएगा और माइनस का k हमारा बाद में आएगा। यहाँ तक आप समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर है। अब उसके बाद में फर्दर जो हमारी चीज़ रह गई है, माइनस का 25x रह गया है और प्लस का 10 रह गया है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे हम माइनस 4x³ को, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 4x, क्या आ जाएगा, माइनस का 4x। अब देखिए वही चीज़ जो हमने प्रीवियसली करी थी वही करेंगे, माइनस का 4x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4x³। माइनस का 4x की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2x, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 8x², क्या हो जाएगा, प्लस का 8x² हो जाएगा। अब इसके बाद में माइनस 4x की मल्टीप्लाई k से करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस के 4kx, क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद देखिए साइन चेंज करेंगे, वही पुराना मेथड, अब यहाँ से चीज़ें हमारी चेंज होंगी, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ से ही स्टेप चेंज होती हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइन। अब देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी लाइक टर्म ही है, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखिए ये तो प्लस का 16 है और ये माइनस का 8 है, तो भाई प्लस के 16 में से माइनस का 8 गया तो कितना बचेगा, प्लस का 6, प्लस का 8, समझ लो, प्लस के 16 में से माइनस का 8 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा प्लस का, और देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस का के, तो हमारा यहाँ पर माइनस का के भी आएगा, ठीक है, माइनस का के भी आएगा। अच्छे तरीके से हर हाल में हर एक स्टेप को समझ लेना आप। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो सबसे पहले हम एक्स बना देंगे और अपने पास से यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा प्लस का 4k है और यहाँ पर हमारा माइनस का 25 है, तो भाई प्लस का साइन हमने जब यहाँ पर लिया है तो प्लस का 4k पहले लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 4k और माइनस का 25, माइनस का 25 ये हो जाएगा, और प्लस का 10 हमारा ये रहा। यहाँ तक मुझे लगता है कि किसी को भी कोई भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे हम 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर को, तो हमारा क्या बचेगा, 8 माइनस के बचेगा, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 8 माइनस के ले लेंगे। अब जब हमारे पास में 8 माइनस के आ गया है तो इस 8 माइनस के की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और 8 माइनस के आ जाएगा हमारा ब्रैकेट में, क्लियर है, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 8 माइनस के की मल्टीप्लाई माइनस के 2x से करेंगे। देखिए एक्स जो है हमारा, यहाँ भी हमारा एक्स है, तो हम एक्स सबसे पहले लिख देंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पास से प्लस बना देंगे। अब देखिए माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस के से हो जाएगी, तो हो जाएगा प्लस का 2k, क्योंकि मुझे प्लस वाला पहले लिखना है इसलिए मैंने माइनस के से मल्टीप्लाई पहले कर दी है। अब देखिए माइनस 2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 16 हो जाएगा, क्लियर है, क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 16 हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद में क्या है हमारा, 8 माइनस के की मल्टीप्लाई हम के से करेंगे तो कितना हो जाएगा, के इंटू के माइनस का के स्क्वायर, के इंटू माइनस का के स्क्वायर, और के इंटू प्लस का 8, प्लस का 8 के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 8k और माइनस का k स्क्वायर। यहाँ तक अब किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इनके साइन चेंज कर देंगे, ये हमारा प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब ये इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे।
अब देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, इनको सोल्व कैसे करेंगे वो देख लीजिए। x हम इस तरह से बना देंगे और ब्रैकेट में हमारा इस तरह से रहेगा। और अब यहाँ पर कोई साइन बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लस बनाओ नहीं बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर है हमारा प्लस का 4k और यहाँ है हमारा माइनस का 2k, तो प्लस के 4k में से भैया जी माइनस के 2k चले गए, तो कितना बचा? प्लस का 2k बचा। क्लियर? अब देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस का 25 है और माइनस टू माइनस प्लस का 16 है। भाई माइनस का 25 और प्लस का 16 तो कितना बचेगा भाई? माइनस का 9 ही तो बचेगा, क्योंकि माइनस का 25 है प्लस का 16, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और बड़े नंबर का साइन आ जाएगा। तो 25 और 16 में से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा, और साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है? 25। समझ गए ना कहानी? अब देखिए यहाँ क्या रहेगा हमारा, प्लस का 10 है तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस का 10 और यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस का। अब देखिए हमने इसके साइन चेंज करे हैं तो इनके दोनों के साइन चेंज होंगे, ब्रैकेट में है दो टर्म है इसलिए तो इनके साइन चेंज होंगे। माइनस इंटू 8k हो जाएगा हमारा माइनस का 8k। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद में क्या है हमारा, माइनस इंटू माइनस के स्क्वायर हो जाएगा हमारा प्लस का k स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा जो है डिवीज़न का जो काम है सारा का सारा खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रखा है हमारा इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी इसमें बोल रखा था कि ये जो रिमाइंडर है हमारा वो x प्लस ए के बराबर है। किसके बराबर है? x प्लस ए के बराबर है। तो कहीं ना कहीं हमारा x प्लस ए जो है भैया जी वो आ जाएगा 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8k प्लस का k स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, x वाले पार्ट को x वाले पार्ट से कंपेयर कर देंगे और a वाले पार्ट को a वाले इस वाले पार्ट से कंपेयर कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा, इट एम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू 2k माइनस 9 इंटू एक्स, 2k माइनस 9 इंटू एक्स, तो x से x कट जाएगा वन टाइम। तो कहीं ना कहीं ये हमारी चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 2k माइनस 9। अब देखिए माइनस का 9 जो है हमारा वो इधर चला जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 9 और प्लस का 1 कितना हो गया भैया जी? 10 हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा 2k इक्वल्स टू 10। इट एम्प्लाइज दैट, अब आप जानते हैं कि इस वाले 2 से मैं इस 10 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 5 ही तो आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा k इक्वल्स टू 5 आ गया। इस k की वैल्यू को, 5 को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, क्योंकि अब आप क्या करने जा रहे हैं, अब आप a की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, क्योंकि a की वैल्यू को आप रखेंगे किसके बराबर? इतने के बराबर रखेंगे। और जब आप a की वैल्यू 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर की जगह रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको k की वैल्यू रखनी पड़ेगी 5। तो देखिए कैसे करा जाएगा, a इक्वल्स टू 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 10, तो 10 रहेगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंट टर्म है, माइनस 8 इंटू, अब k की वैल्यू हमने निकाली है कितनी? 5, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर वैल्यू? 5 रख देंगे, प्लस ये साइन आ जाएगा और k क्या है हमारा? 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 10 आपका ये रहेगा, माइनस का 8 5 सा माइनस के 40 और प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए 10 और 25 कितने होते हैं? 35, और माइनस का 40 हमारा ये रहा। देखिए प्लस का 35 माइनस का 40, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा सब्ट्रैक्शन ही होगा। क्या होगा? सब्ट्रैक्शन, और साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। अब हम बड़ा नंबर देखेंगे कौन सा है, 35 या 40? ऑब्वियसली यार 40 इज़ अ बिगर नंबर हेयर, सो वी विल अप्लाई माइनस साइन, हैंस वी कैन से दैट के इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 5 और a इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा माइनस के 5। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2.4 का कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।